हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में एलबी शादा ड्राइंग के ऊपर पेंसिल स्केच करने वाला हूँ और पेंसिल में यहाँ पर कैमलिन की ये वाला यूज कर रहा हूँ और आप लोग चाहो तो कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर एचबी ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है आप लोगों को, तभी रिजल्ट्स अच्छा मिलने वाला है। और अभी मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहा हूँ और ऐसे ही हमें फुल में कर लेना है और एकदम रिफरेंस फोटो में जिस तरीके से सेम टू सेम वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और अभी मैं मैकेनिकल पेंसिल की हेड को यूज कर रहा हूँ और आप लोग चाहो तो बॉल पेन का भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना पेन खाली होना चाहिए यानी इंक नहीं होना चाहिए। तो इसकी मदद से अभी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी मुझे हाईलाइटेड हेयर्स चाहिए तो उसके लिए इसकी मदद से अभी हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहा हूँ। और ये टेक्निक यूज करने के लिए ध्यान रखना पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 200 GSM की पेपर यूज कर रहा हूँ। और ये कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा रिजल्ट्स मिलने वाला है। और अभी मैं फिर से वही फुल हेयर्स के एरिया में एचबी ग्रेड की पेंसिल से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहा हूँ और डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी एरिया में ज्यादा डार्क चाहिए तो उस टाइप के एरियाज में आप लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर सकते हो। तो अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। नेक्स्ट अभी इसको लो प्रेशर में ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास ये ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो और ब्लेंड आप लोगों को हेयर की डायरेक्शन वाइज ही करना है। ओके, उसके बाद अभी मैं इसके ऊपर डार्क वैल्यूज को देने के लिए 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इससे भी सेम वही हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है, बस लाइट वैल्यूज को छोड़ के आप लोगों को स्ट्रोक देना है। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग देखो ध्यान से अभी। ओके, नेक्स्ट अभी इसको भी ब्रश की मदद से लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है, बस ध्यान रखना है हेयर की डायरेक्शन वाइज ही आप लोगों को ब्लेंड करना है। और उसके बाद अभी 6B या फिर 8B ग्रेड की पेंसिल से जहां पर भी एकदम से डार्क वैल्यूज चाहिए तो उस टाइप के एरियाज में आप लोग शेडिंग कर सकते हो। और लास्ट में अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर टोमोमोनो ज़ेरोज़र का यूज कर रहा हूँ। वैसे आप लोग ये नहीं करोगे तब भी चलेगा, बस आप लोग को सेटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ओके
ओके हेयर्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी फेस के ऊपर शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी जितना हो सके पेंसिल को शार्प रखना है और डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके थोड़ा बहुत जहाँ पर भी डार्क वैल्यूज है ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग करना है, बाकी एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग करना है और लाइट एरियाज में एकदम हल्के हाथ से करना है, नहीं तो उस टाइप के एरियाज को छोड़ के भी शेडिंग कर सकते हो। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से पहले ब्लेंड कर रहा हूँ और ध्यान रखना जितना हो सके लो प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को ब्लेंड करना है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना। और इसको थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर रहा हूँ और इससे भी एकदम लो प्रेशर में ब्लेंड करना है और ऐसे ही हमें फुल फेस के ऊपर पहले HB ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग और बाद में ब्लेंडिंग कर लेना है। बट उससे पहले मैं सनग्लास के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और हाँ मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ जिसमें 4B ग्रेड की लीड है। वैसे आप लोग ये नॉर्मल 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना पेंसिल जितना हो सके शार्प रखना है आप लोगों को और शेडिंग की टेक्निक सेम वही है, डार्क और लाइट वैल्यूज को ऑब्जर्व करके प्रेशर को ज्यादा कम करके आप लोगों को शेडिंग करना है। बाकी मैं अभी किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग देखो ध्यान से।
ओके गाइस, फेस के ऊपर फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर सेकंड लेयर में डार्क वैल्यूज को देना है और हाइलाइट्स को अप्लाई करना है। तो डार्क वैल्यूज के लिए मैं फेस के ऊपर 2B ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग को रेफरेंस फोटो को देखना है और ड्रॉइंग को आप लोग को देखना है और ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरिया में आप लोग को डार्क वैल्यूज को देना है। तो उसी को ही देने के लिए मैं यहाँ पर 2B ग्रेड की पेंसिल को यूज कर रहा हूँ और एकदम लो प्रेशर में शेडिंग कर रहा हूँ और फुल फेस के ऊपर अभी आप लोग को ये चीज कर लेना है। और सनग्लास में फिर से वही 4B ग्रेड की पेंसिल को यूज कर रहा हूँ, बट इस बार थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ। और अभी बियर्ड्स की एरिया में 2B ग्रेड की पेंसिल को यूज करके छोटे छोटे बियर्ड्स की स्ट्रोक दे रहा हूँ। और हाँ, बियर्ड्स जहाँ पर ज्यादा डार्क है वहाँ पर आप लोगों को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। और इसको अभी और फुल फेस में भी एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट अभी नीचे गला में भी सेम वही टेक्निक को यूज करके सेटिंग कर लेना है। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग देखो ध्यान से। अभी और नेक्स्ट अभी बियर्ड्स के ऊपर थोड़ा और डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर 4B ग्रेड की पेंसिल को यूज कर रहा हूँ और सेम वही छोटे छोटे स्ट्रोक दे रहा हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेंसिल को जितना हो सके शार्प रखना, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। Thank you.
और लास्ट में भी फुल फेस के ऊपर हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर टोमोमोनो इरेजर का यूज कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग नॉर्मल इरेजर को भी कट करके ये चीज कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी इस ड्राइंग की लास्ट पार्ट में। बैकग्राउंड और शार्ट को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।